सचिन बहुत है, डीजीपी बहुत है, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी बहुत है, एडीजी एडमिन साहब, एडीजी प्रोसिक्यूशन साहब, उपस्थित विभागों से आए हुए मुख्य सतर्कता के अधिकारीगण, लॉ कॉलेज के प्रतिनिधियों, हमारे विश्व ब्लॉर्स बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, सतर्कता विभाग के हमारे साथियों, आज के इस विश्व ब्लॉर कॉन्क्लेव हेतु आप सभी का स्वागत है। आज का उद्देश्य जो था वो प्रिवेंटिव विजिलेंस का था। इसमें हम लोगों ने सतर्कता तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मुख्य सतर्कता अधिकारी उनको बुलाया, उनके समक्ष पीसी एक्ट के प्रेजेंटली क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या नवीनीकरण हुई है उसके बारे में बात की, विसल बोर एक्ट जो 2014 में पास हुआ उसके बारे में बात की, साथ में सीबीआई से भी एक प्रेजेंटेशन हुआ कि केंद्रीय कर्मियों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर कैसी कार्रवाई की जाएगी, पिटपी नोटिफिकेशन जो समय समय पर आया जिसमें कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की बात जहां करते हैं हम, और सुरक्षा की बात करते हैं, विश्व बोर्ड सुरक्षा की उसकी बात करते हैं, इनकी जानकारियां देने के लिए समय समय पर जो प्रयास किया गया है। साथ में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को यह बताना भी चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमें अपने इस कार्य करने में सहयोग किया था उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है, आपके माध्यम से सम्मानित करवाएंगे। मैं आपका आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, क्योंकि आपने जिस तरह से 1064 का शुभारंभ करवाया था, ये एक हेल्पलाइन थी, एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी प्रिवेंटिव पुलिसिंग का ये प्रथम अगर कदम इसको मानते हैं हम, क्योंकि जनता के बीच में जो इसका रिकॉर्ड है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है। हम कभी ये नहीं कह सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उस रिकॉर्ड को कि भाई हमने आज से 3 साल पहले शिकायत की थी, वो शिकायत कहां गई। वो सर, साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपके निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जिन लोगों की धनराशि काफी लंबे समय से अटकी हुई थी सर, वो धनराशि भी हमने उन लोगों की रिलीज करवाई है, और आपके हाथों 2 लोगों को सर जो उनकी धनराशि है उसका भी चेक वितरण होना है सर। तो इसमें सबसे पहले श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, इनके द्वारा जो करप्शन धनराशि केस में दी गई थी वो रिलीज करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उनको चेक सुपुर्द किया जा रहा है। और दूसरे हमारे जो रिवार्डधारी हैं वो हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, इनकी भी 10,000 की धनराशि है, इनका 2014 का। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर ये जो चेक वितरण हुआ है ये 2010 और 2014 में इन्होंने, ये हमारे विसल ब्लोअर थे, इन्होंने जो ट्रैप करवाए थे जिनके जो धनराशि थी वो कोर्ट से हमने रिलीज करवाई थी। समाज के वह नागरिक जो विसल ब्लोअर के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे एक्सटर्नल विसल ब्लोअर्स को अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इंटरनल विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट 2 तरह का है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये जो समाज में रहकर आम जनजीवन जीते हैं और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करवाते हैं, शिकायतें करवाते करते हैं, इनको हम एक्सटर्नल विसल ब्लोअर कहते हैं। दूसरे होते हैं इंटरनल विसल ब्लोअर, ये वह होते हैं जो विभाग में रहते हुए, विभाग में कार्य करते हुए विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में अपनी आवाज उठाते हैं। विभिन्न विभाग के भागाध्यक्षों को शासन के आदेश पर सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह सीवीओ न सिर्फ विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ समन्वय स्थापित करते हैं अपितु अपने विभाग को पारदर्शी बनाने हेतु सतत प्रयासरत भी रहते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमने एक ऐसे ही सीवीओ उनका चयन किया, एक ऐसे ही जिन्होंने अपने विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर सतत प्रयास करते रहे हैं, जो अभी भी प्रयासरत हैं, उन्हें आज हम इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित करवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि कमिश्नर राज्य कर श्री अहमद इकबाल सर को अपने विभाग को पारदर्शी बनाने हेतु किए गए सतत प्रयासों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें।
धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन हेतु अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। स्थिरता पैदा होने वाली है राजस्थान में और यही वजह है कि अब राजस्थान की बारी है, क्या ये डर है? निश्चित रूप से जो बातें प्रताप जी ने कही हो या चाहे अभी जो हमारे ओम प्रकाश सैनी साहब हैं उन्होंने कही या देश का कोई भी जो जागरूक नागरिक इस देश की डेमोक्रेसी के प्रति जो चिंतित है वो यही बातें कहेगा, और ये बातें सिर्फ राजनीतिक आधार पर वक्तव्य नहीं। उसके इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड श्री अशोक जी, प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री अभिनव कुमार जी और डायरेक्टर विजिलेंस श्री अमित सिन्हा जी एवं सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अनेकों अनेकों विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सचिवगण, अतिथिगण और मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमारे लॉ कॉलेज के, मुझे बताया गया है कि लॉ कॉलेज के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी मेरे लॉ कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों से जुड़े हुए सभी शोधार्थीगण, सभी शिक्षार्थीगण, सभी छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ सभी विजिलेंस के हमारे अधिकारीगणों को, कर्मचारीगणों को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को कि उन्होंने एक सकारात्मक रूप से, हमने 8 अप्रैल को एक टोल फ्री नंबर 1064 का शुभारंभ किया था और आज तक उसमें 4888 ज्यादा हो गई क्या, तो अब 5000 का आंकड़ा पार हो गया है और उसमें भिन्न विभिन्न विभागों एवं सरकारी अधिकारियों जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो हमारा ये अभियान है, और केवल अभियान नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। से अभी आज से कुछ 3 दिन पहले